नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, मैं तुझसे दूर ही कब था, मैं तुझसे दूर ही कब था, बस जरा सी देर हो गई आने में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों, इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी, डेली आपको 2 जिले करवाऊंगा, वही 2 जिले आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और बच्चों, रही बात 20 तारीख को ना, आपके जो आपका परिवार है, आपका अपना परिवार है जीके बाय प्रदीप सर, 20 तारीख को ना उसको पूरे 2 साल हो जाएंगे जो एक छोटा सा पौधा हमने लगाया था, और उसका बिना आपके प्यार के ना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। आज बच्चों बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, प्यार दी है। तो 20 तारीख को बच्चों, सोमवार को ना हम लाइव मिलेंगे शाम को, और वहाँ पर ना आपसे डिस्कस करेंगे, और आगामी एग्ज़ाम होंगे ना उसके बारे में भी बच्चों वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो पहला जिला पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? गुरुग्राम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? गुरुग्राम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है बच्चों ये ना, कहते हैं पांडवों ने ना, अपने पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गिफ्ट किया था। किसको किया था? गुरु द्रोणाचार्य को गिफ्ट किया था। एस्टेट में ये आया था। ये पांडवों ने किसको गिफ्ट किया था? गुरु द्रोणाचार्य को क्या किया था? गिफ्ट किया था। हरियाणा का गठन हुआ था बच्चों 1 नवंबर 1966 को। तब कौन सा इसमें जिला होता था? गुरुग्राम होता था। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को क्या किया था? गिफ्ट किया था। और बच्चों इसे है ना, गुरुग्राम को ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सी सिटी कहा जाता है बच्चों? मेडी सिटी कहा जाता है। यानी हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडिकल की बात करूँ तो कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इसे बच्चों मेडी सिटी के साथ है ना साइबर सिटी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को? मेडी सिटी के साथ बच्चों कौन सी सिटी कहा जाता है? साइबर सिटी भी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है बच्चों। इसे कॉल सेंटर कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हरियाणा में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर कैपिटल, कॉल सेंटर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसे मोल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस सिटी के नाम से बच्चों? मोल सिटी के नाम से। इसे सिटी ऑफ मिलेनियर या करोड़पतियों का शहर भी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। पहली मेट्रो परियोजना की बात करें, या हरियाणा में पहली बार मेट्रो कहाँ पर आई थी बच्चों? गुरुग्राम में आई थी। कहाँ पर आई थी? गुरुग्राम में आई थी। और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है गुरुग्राम से है ना, आज इतना हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसका कारण है बच्चों, गुरुग्राम का विकास जिस कंपनी ने किया था ना, वो DLF ने किया था। किसने किया था? ये इसकी फुल फॉर्म बच्चों दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस के नाम से रहेगी एक कंपनी है ना, DLF। ये बच्चों दिल्ली का विकास करने आई थी। किसका विकास करने के लिए आई थी? दिल्ली। और दिल्ली में बच्चों जब DDA आ गया ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो दिल्ली में जब DDA आ गया ना, तो दिल्ली ने ना अपना विकास करके ना DLF को धक्के मार कर निकाल दिया। वैसे बच्चों यही प्रवृत्ति आज के लोगों में पाई जाती है। वो कहते हैं ना, अपना काम है बनता, बाढ़ में जाए जनता। तो DLF ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन दिल्ली में इससे ऊपर वाली DDA आ गई, तो DLF को धक्के मार कर निकाल दिया। और DLF ने ना सौगंध खाई थी कि मैं हरियाणा के एक जिले को ना दिल्ली के बराबर खड़ा कर दूंगी। आज बच्चों गुरुग्राम और दिल्ली में कोई फर्क है नहीं कर सकता। वो किसके कारण है? DLF। तो आज भी आपसे पूछे ना, DLF का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? तो इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ पर रहेगा? दिल्ली में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? दिल्ली में रहेगा। तो गुरुग्राम है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात आती है। यहां से ना सुल्तानपुर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। कौन सा नेशनल पार्क रहेगा बच्चों? सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। इसे पुराने टाइम में सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता था। एक बार आया था, डॉक्टर सलीम अली कौन होते थे? ये पक्षी वैज्ञानिक होते थे। डॉक्टर सलीम अली जी कौन होते थे बच्चों? ये पक्षी वैज्ञानिक होते थे। डॉक्टर सलीम अली जी कौन होते थे? पक्षी वैज्ञानिक होते थे। एक बार आया था, ये किस सारस के लिए जाना जाता है बच्चों? साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कौन सा सारस घूमने आता है? साइबेरियन सारस घूमने आता है। कौन सा सारस घूमने
जाता है बच्चों साइबेरियन सारस, यहाँ पर ना बच्चों मारुति सुजुकी या कार उद्योग, यहाँ पर मारुति सुजुकी कार उद्योग लगा था। मारुति कंपनी तो भारत की थी और सुजुकी कंपनी कहाँ की थी बच्चों, जापान की थी। तो ये भी आ सकता है, हमने मारुति सुजुकी कार उद्योग किसकी सहायता से लगाया था, गुरुग्राम में जापान की सहायता से लगाया था। जैसे हमारा बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सोहना कार रैली का भी आयोजन होता है, सोहना कार रैली विंटेज कार रैली बोलते हैं, सोहना कार रैली का भी आयोजन कहाँ पर होता है, गुरुग्राम में होता है। जो राहगीर योजना थी ना बच्चों, उसकी भी हरियाणा में शुरुआत कहाँ से की गई थी, गुरुग्राम से की गई थी। कहाँ से की गई थी बच्चों, गुरुग्राम। यहाँ पर बच्चों सवर्ण व आभूषण पार्क है, सवर्ण व आभूषण पार्क कहाँ पर रहेगा, तो सवर्ण व आभूषण पार्क गढ़ी असरूर, गढ़ी असरूर कहाँ पर रहेगा बच्चों, गुरुग्राम में कौन सा रहेगा, सवर्ण व आभूषण पार्क भी कहाँ पर रहेगा बच्चों, गुरुग्राम में रहेगा। और गुरुग्राम हरियाणा की मैं कहता हूँ एडवांस सिटी में गुरुग्राम का नंबर आता है। और बच्चों यहाँ से ये भी पूछा जाता है, एक मशहूर क्रिकेटर होते थे नवाब मंसूर अली पटौदी, नवाब मंसूर अली पटौदी का संबंध कहाँ से था, तो ये पटौदी रियासत कहाँ की है बच्चों, गुरुग्राम की है। और पटौदी में ना पुराने टाइम में एक प्रजा मंडल आंदोलन भी चला था, कौन सा आंदोलन चला था, प्रजा मंडल, नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने, टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता था। ये सैफ अली खान के क्या होते थे बच्चों, पिता होते थे। इनका संबंध भी कहाँ से होता था, पटौदी गुरुग्राम से किसका संबंध होता था, नवाब मंसूर अली खान पटौदी का संबंध होता था। किसका संबंध होता था, नवाब मंसूर अली पटौदी का संबंध कहाँ से होता था, गुरुग्राम से होता था। तो गुरुग्राम से ना HSSC ये बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछती है, किंगडम ऑफ ड्रीम ये पूछा जाता है, मनोरंजन का हग हब किंगडम ऑफ ड्रीम, किंगडम ऑफ ड्रीम भी कहाँ पर रहेगा, ये HSSC ने बहुत बार पूछा है बच्चों, गुरुग्राम में रहेगा। आपसे पूछ लेगा समा पर्यटन स्थल, समा पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर रहेगा, तो समा पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, गुरुग्राम में हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों पूछती है जो शीश महल फरुखनगर गुरुग्राम में, शीश महल कहाँ पर रहेगा बच्चों, फरुखनगर गुरुग्राम में रहेगा। शीश महल से भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है किससे क्वेश्चन आ जाता है, शीश महल से भी क्या उठता है, क्वेश्चन उठता है। किससे क्वेश्चन उठता है, शीश महल से क्वेश्चन उठता है आपसे, खलीलपुर झील, खलीलपुर झील पूछ लेंगे आपसे बच्चों, दमदमा झील पूछ लेंगे, खलीलपुर झील या दमदमा झील कहाँ पर रहेगी आपकी, गुरुग्राम में रहेगी। कहाँ पर रहेगी बच्चों, गुरु सुल्तानपुर नेशनल। एक पूछा जाता है बच्चों सोहना गर्म पानी का चश्मा है, ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में पेपर में आता है। सोहना गर्म पानी का चश्मा का पानी हर टाइम गर्म क्यों रहता है बच्चों, तो इसका पानी गर्म है ना सल्फर या गंधक की अधिकता के कारण, सल्फर या गंधक की अधिकता के कारण इसका पानी क्या रहता है बच्चों, गर्म रहता है। और बच्चों जो टॉपिक करवा रहा हूँ ना, इससे रिलेटेड आपको बच्चों टेस्ट सीरीज देनी है ना, दुरीना ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो जो बिल्कुल फ्री रहेगी। और दुनिया पे बच्चों हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उस पर मैंने मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस और हरियाणा जी के लगभग कंप्लीट करवा दी है, वहाँ जाकर आप दुनिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स भी वहाँ से देख सकते हो। तो बच्चों इम्पोर्टेंट है सल्फर या गंधक की अधिकता के कारण सोना गर्म पानी के चश्मे का पानी क्या रहता है बच्चों, गर्म रहता है। एक यहाँ से पूछा जाता है शीतला माता मंदिर, शीतला माता मंदिर कहाँ पर रहेगा, तो शीतला माता मंदिर भी कहाँ पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। और बच्चों ये कहते हैं शीतला माता गुरु द्रोणाचार्य की एक पत्नी होती थी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी होती थी बच्चों कृपी माता, कृपी जी, कृपी माता जी की याद में ये बनवाया गया था, शीतला माता मंदिर बनवाया गया था। तो शीतला माता मंदिर में इतना ज़्यादा चंदा आता है, इसलिए डिसाइड किया गया कि शीतला माता मंदिर का जो अध्यक्ष होगा ना वो हरियाणा का कौन होगा बच्चों, हरियाणा का CM इस मंदिर का क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है, क्या बनता है इस मंदिर का, अध्यक्ष बनता है, शीतला माता मंदिर का अध्यक्ष बनता है हरियाणा का CM। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है ये कुछ गुरुग्राम से ना वो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए हैं जो HSSC ने ना विगत एग्जामों में पूछे हैं। अब बच्चों मैं आपसे पलवल से रिलेटेड है ना क्वेश्चन बता देता हूँ, पलवल से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से HSSC पूछती है, इंपॉर्टेंट है बच्चों पलवल से रिलेटेड है ना HSSC क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेगी। किससे रिलेटेड, पलवल से।
पलवल को पहली तो बात याद रखना बच्चों, इसे सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है, क्योंकि HSSC है ना, कॉटन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछती है। अगर आपसे पूछे कपास हरियाणा में ज़्यादा कहाँ होती है, तो कपास हरियाणा में ज़्यादा कहाँ पर होती है? सिरसा में होती है। कपास की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर लगती है? तो वो बच्चों रोहतक में लगती है। और सिटी ऑफ कॉटन किसे कहा जाता है? पलवल को कहा जाता है। और बच्चों महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी HSSC मानती है 10 अप्रैल 1919 को कहाँ से हुई थी? पलवल से हुई थी। आप पलवल है ना, रेलवे स्टेशन के बाहर चले जाना, वहां पर लिखा है महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी 8 अप्रैल 1919 को। लेकिन बच्चों हमें ना 8 अप्रैल के साथ नहीं जाना, HSSC ने 10 अप्रैल मान लिया है, तो इसके साथ ही जाना है। हमें ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करनी है। अगर ज्यादा इंटेलिजेंट बने तो बच्चों कोई मधुबन वाली ट्रेनिंग रुक सकती है। हम इतने मतलब बलवान नहीं है कि HSSC से झगड़ा मोल ले, ये कहीं ना वो मान लेना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को कहां से हुई थी? पलवल से, ये HSSC मानती है। इसके ठीक 3 दिन बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बच्चों वो पूछेगा गांधी आश्रम हरियाणा में गांधी आश्रम कहाँ पर रहेगा? तो हरियाणा में गांधी आश्रम कहाँ पर रहेगा बच्चों? पलवल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? जैसे आपसे पूछा जाता है बच्चों पंचवटी मंदिर, ये बहुत बार आया है, पंचवटी मंदिर हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? तो पंचवटी मंदिर कहाँ पर रहेगा बच्चों? ये पलवल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा पंचवटी मंदिर हरियाणा में? कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। कौन सा मंदिर रहेगा बच्चों पलवल में? पंचवटी मंदिर हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। कौन सा मंदिर रहेगा बच्चों? पंचवटी मंदिर का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा? पलवल से रहेगा। पंचमुखी हनुमान मंदिर वो तो जगाधरी यमुनानगर में हो जाएगा, लेकिन पंचवटी मंदिर कहाँ पर रहेगा बच्चों? पलवल में। एक ये भी आ सकता है दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, ये दाऊ जी का, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई क्या बोले जाते हैं, दाऊ जी का मंदिर है ना, ये बच्चों बंचारी गांव में कहाँ पर रहेगा? बंचारी गांव पलवल में रहेगा दाऊ जी का मंदिर। एक बार तो ये भी क्वेश्चन आ गया बच्चों होडल कहाँ पर है, तो होडल कहाँ पर रहेगा? पलवल। और यहाँ पर होडल की सराय है, होडल की सराय, यहाँ पर क्या फेमस है बच्चों? होडल की क्या फेमस रहेगी? सराय फेमस रहेगी। होडल की सराय कहाँ पर रहेगी? पलवल में रहेगी। एक बार बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सती का तालाब और द्रौपदी घाट, सती का तालाब और द्रौपदी घाट कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है बच्चों सती का तालाब, सती का तालाब हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। और इंपॉर्टेंट है बच्चों द्रौपदी घाट, दोनों याद कर लेना, सती का तालाब और द्रौपदी घाट हरियाणा में कहाँ पर है? पलवल में। बच्चों मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आज तक HSSC ने पूछे हैं। सती का तालाब भी आ गया कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। द्रौपदी घाट भी आ गया था, पलवल में रहेगा। एक आता है बच्चों यक्ष यक्षणियों की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षणियों की, यक्ष यक्षणियों की मूर्तियाँ कहाँ पर रहेगी? तो यक्ष यक्षणियों की मूर्तियाँ हरियाणा में कहाँ से मिली है बच्चों? में पलवल से मिली है। किसकी मूर्तियाँ मिली है? यक्ष यक्षणियों की मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली है? पलवल। एक बार आया था यक्ष यक्षणी जी को किसका देवता कहा जाता है बच्चों? पानी का देवता कहा जाता था। यक्ष यक्षणी को किसका देवता कहा जाता था? पानी का देवता कहा जाता था। यक्ष यक्षणियों की मूर्तियाँ हरियाणा में कहाँ से मिली है बच्चों? पलवल से मिली है। पलवल से हमें कौन सी मूर्तियाँ मिली है? यक्ष यक्षणियों की मूर्तियाँ हरियाणा में बच्चों हमें कहाँ से मिली है? पलवल से। और यक्ष यक्षणी को इतना याद रखना किसका देवता माना जाता है? पानी का देवता। सती का तालाब कहाँ पर रहेगा? पलवल में। द्रौपदी घाट कहाँ पर रहेगा बच्चों? पलवल में रहेगा। एक बार पूछा गया था किशोरी बाई का महल, इंपॉर्टेंट है, डबचिक झील भी पलवल में और किशोरी बाई का महल, किशोरी बाई का, किशोरी बाई का महल, किशोरी बाई का महल भी कहाँ पर रहेगा बच्चों? पलवल में रहेगा। कौन सा रहेगा? किशोरी बाई का महल, इंपॉर्टेंट है बच्चों। किशोरी बाई का महल कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बच्चों? पलवल में रहेगा। और डबचिक झील, कौन सी झील है बच्चों? डबचिक झील भी कहाँ पर रहेगी? पलवल में रहेगी। इंपॉर्टेंट है बच्चों किशोरी बाई का महल भी कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। डबचिक झील भी कहाँ पर रहेगी बच्चों? पलवल में रहेगी। कहाँ पर रहेगी बच्चों? पलवल में। किशोरी का महल भी पलवल में रहेगा, डबचिक झील भी कहाँ पर रहेगी आपकी? पलवल में। और एक पूछा जाता है बच्चों बारह खंबा छतरी, कौन सी छतरी? बारह खंबा
छतरी, 12 खंबा छतरी भी हमारे हरियाणा में कहाँ पर रहेगी, तो 12 खंबा छतरी भी कहाँ पर हो जाएगी बच्चों, आपकी पलवल में हो जाएगी। 12 खंबा छतरी भी हरियाणा में कहाँ पर रहेगी, पलवल में रहेगी। कहाँ पर रहेगी बच्चों, पलवल में। बार कौन सी छतरी रहेगी, 12 खंबा छतरी भी हरियाणा में कहाँ पर रह जाएगी, पलवल में रह जाएगी। तो बच्चों पलवल से रिलेटेड है ना, HSSC सिटी ऑफ कॉटन वाला बहुत बार पलवल से क्वेश्चन आता है कि सिटी ऑफ कॉटन किसे कहा जाता है, पलवल को कहा जाता है। चरखी दादरी से पहले बच्चों हरियाणा का नव निर्वाचित नव गठित जिला कौन सा होता था, पलवल। 15 अगस्त 2008 को, 15 अगस्त 2008 को कौन सा बना था, पलवल। पहले तो ये क्वेश्चन आता था हरियाणा का, जब तक चरखी दादरी नहीं बना था तो हरियाणा का नव निर्वाचित जिला कौन सा था, तभी ये 21वां जिले के रूप में हम किसको मानते थे, पलवल को मानते थे। क्या मानते थे, पलवल को मानते थे। अब चरखी दादरी आ गया तो ये क्वेश्चन तो शायद ना आए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है बच्चों, अब ये पूछा जा सकता है फरीदाबाद ये किस मंडल के अंतर्गत आता है, फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है, क्योंकि करनाल और फरीदाबाद दो नए मंडल बने हैं ना। तो फरीदाबाद मंडल में एक तो बच्चों आपका फरीदाबाद आता है, और एक आता है पलवल आता है, पलवल आता है, और एक आपका इम्पोर्टेंट है बच्चों क्या आता है, नू आता है। क्या आता है, नू। फरीदाबाद, पलवल और नू किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, फरीदाबाद के अंतर्गत आते हैं। इम्पोर्टेंट है बच्चों आपका याद कर लेना कौन सा रहेगा, कि एक है ना, जैसे हरियाणा में ना 6 मंडल होते हैं, कौन कितने मंडल है बच्चों, 6 मंडल है। हमने पढ़ा था घर गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक, और के से करनाल, एफ से फरीदाबाद। करनाल में करनाल, कैथल और आपका जो KKP हमने पढ़ा था, करनाल, कैथल और पानीपत। इसमें फ्री में पल भी क्या नहीं मिलेगा बच्चों, मेवात। इसे नू बोल दो चाहे क्या बोल दो, मेवात बोल दो। तो ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये हरियाणा के जो दो डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए हैं, और बच्चों मंडे से ना हम जो 4 बजे आपको लाइव मिलेंगे, ठीक है। और ये जीके भाई प्रदीप सर का जो ये 2 सालों का सफ़र है, ये आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मंडे से ना करंट अफेयर की क्लास भी हम है ना हरियाणा करंट अफेयर की क्लास भी शुरू कर देंगे। आप अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, हर एक बच्चा कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मंडे को ना जीके भाई प्रदीप सर को आपके प्यार से 2 साल हो जाएंगे, तो मंडे को हम लाइव है ना 1 घंटा आपसे बात करेंगे, आगे के स्टडी के बारे में डिस्कस है जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और मंडे को आपसे लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।